हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जल्द ही दौड़ेगी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तरह बनेगा बिहार समरिया घाट। पंचायती राज संस्थाओं को मिले 7,706 करोड़। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को दिया करारा शिकस्त। प्रदूषण को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदूषण को लेकर पटना हाई कोर्ट सख्त। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दायर याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि अगली तिथि तक राज्य में प्रदूषण के बारे में एक पूरक हलफनामा दायर करे और जब इसकी अगली सुनवाई 25 जनवरी को की जाएगी। वहीं राज्य सरकार इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि बिहार राज्य में फिलहाल 47 सीएनजी पंप स्टेशनों से वाहनों को सीएनजी गैस की आपूर्ति की जा रही है। वहीं अगले वर्ष 90 सीएनजी पंप स्टेशनों की आपूर्ति कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 19 पंप स्टेशनों से सीएनजी की आपूर्ति की जा रही है और अगले वर्ष तक इस सूची में 11 और नए सीएनजी पंप स्टेशनों को चालू कर दिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को मिले 7,706 करोड़। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत बिहार के पंचायती राज विभाग को 7,706 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल हर घर तक पक्की गली नाली के तहत छूटे हुए बसवाटों के गलियों को पक्कीकरण व नाला निर्माण में किया जाएगा। इसके अलावा भी इन पैसों का इस्तेमाल कुओं का जीर्णोद्धार, सोखता का निर्माण जैसे कार्यों में किया जाएगा। वहीं वित्त आयोग से भी पंचायती राज संस्थाओं को 3,860 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। इसके साथ ही विभाग के द्वारा कहा गया है कि जिला परिषद सष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त विकास निधि का उपयोग अपनी आय बढ़ाने के मदद में करेगा, साथ ही सड़कों का निर्माण भी होगा। कुढ़नी उपचुनाव के लिए नामांकन आज से। आज यानी कि गुरुवार से बिहार के कुढ़नी विधानसभा के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं नामांकन के लिए अंतिम तारीख 17 नवंबर तक निर्धारित की गई है। हालांकि इस बीच दो दिन 12 और 13 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया साप्ताहिक अवकाश के कारण नहीं हो पाएगी। वहीं वैसे प्रत्याशी जो अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं वे 21 नवंबर तक ले सकते हैं। बता दें कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी को अपना एफिडेविट दाखिल करना होगा जिसमें उन्हें अपने संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़े डिटेल्स को देने होंगे। बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर तक की जाएगी और 5 दिसंबर को चुनाव किया जाएगा। बिहार के भ्रष्ट एआईजी के 3 ठिकानों की छापेमारी। आज यानी गुरुवार को विशेष निगरानी इकाई के द्वारा बिहार के एक भ्रष्ट एआईजी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिनमें मुजफ्फरपुर पटना के बोरिंग रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास अलकराज अपार्टमेंट एवं सिवान स्थित मुफस्सिल थाना के महदेवा स्थित पैतृक निवास शामिल है। बता दें कि निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई के द्वारा आय से अधिक 2,68,585 रुपए संपत्ति अर्जित करने का केस किया गया था, जिसके बाद विभाग के द्वारा छापेमारी की गई। बिहार में जल्द ही दौड़ेगी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। जल्द ही दिल्ली से पटना के बीच भी 350 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद दोनों के बीच की दूरी केवल 6 घंटे रह जाएगी। बता दें कि इसके लिए भारतीय रेलवे के द्वारा बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें खास बात यह है कि इसके ट्रैक पूरी तरह एलिवेटेड होंगे। वहीं इस बात पर भी मोहर लग गई है कि बिहार में 3 जिलों में इसके स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस सूची में बक्सर, पटना और गया को शामिल किया गया है। फिलहाल अब तक यह चयन नहीं किया गया है कि पटना के किस स्थान पर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इसके लिए 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पहली जगह बीटा आईआईटी के पास है तो वहीं दूसरी और तीसरी जगह पटना एम्स और बीटा एयरपोर्ट है। मुजफ्फरपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। जल्द ही मुजफ्फरपुर में भी अयोध्या के जैसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को तैयार किया जाएगा, जिसमें लोगों को एयरपोर्ट की जैसी सुविधा दी जाएगी। इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे स्टेशन पर काम शुरू भी कर दिया गया है। बता दें कि इस स्टेशन के निर्माण में लगने वाला कुल लागत 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके लिए सर्वे का काम खत्म कर दिया गया है और अब निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। वहीं गया रेलवे स्टेशन के भी 100 वर्ष पुराने मेन भवन को ध्वस्त कर ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इन स्टेशन का निर्माण 2065 तक रेलवे यात्रियों की संख्या और जरूरतों को देखते हुए किया जा रहा है। बताते चले कि गया रेलवे स्टेशन के पहले फेज के निर्माण के लिए 173 रुपए खर्च किए जाएंगे। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तरह बनेगा बिहार समरिया घाट।
बीते दिन बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया घाट का निरीक्षण किया और इस घाट के विकास से जुड़े तैयार ब्लूप्रिंट को देखा। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार बिहार के सिमरिया घाट का निर्माण हरिद्वार के हरकी पौड़ी की तरह किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि इस घाट का निर्माण सभी परेशानियों को नजर में रखकर किया जाएगा और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हम चाह रहे हैं कि ये सभी व्यवस्था 2023 में लगने वाले अर्ध कुंभ से पहले कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सिमरिया घाट पर नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वित्त सहित संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देश के आधे से अधिक साइबर अपराधी बिहार के। बिहार में देश के 50% से अधिक साइबर क्राइम की घटना बिहार के लोगों के द्वारा की जाती है। बता दें कि 13 राज्यों की पुलिस के द्वारा इस वर्ष यानी कि 2022 में जनवरी से सितंबर तक में 64 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा अपराधियों की संख्या नालंदा जिले से है, जहां 31 लोग है, जिनमें 11 महिलाएं शामिल है। बताते चले कि मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए जिले में साइबर सेल यूनिट को स्थापित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। वहीं इससे जुड़े दो बड़े मामले हैं, जिनमें पहला मामला 40 लाख रुपए की ठगी करने वाले इंजीनियर विजय कुमार व महेंद्र कुमार है और दूसरा मामला 82 लाख रुपए की ठगी के मामले को शामिल किया गया है। पटना के कंकड़बाग में दो नई सड़कों का निर्माण। बिहार की राजधानी पटना में दो नए सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि पटना के दक्षिण हिस्से में कंकड़बाग में इन दोनों सड़कों का निर्माण 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर की जा रही है। इन दोनों सड़कों में पहली 30 फीट की सड़क का निर्माण कंकड़बाग की मुख्य सड़क NH 30 बाईपास पर किया जाएगा, जिसके निर्माण में लगने वाली कुल लागत करीब 6 करोड़ बताई जा रही है। वहीं दूसरी सड़क का निर्माण कंकड़बाग के अशोक नगर रोड नंबर 4 से NH 30 बाईपास के लिए किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण में कुल लागत करीब 7 करोड़ रुपए लग रही है। बताते चले कि इन दोनों सड़कों के निर्माण का लक्ष्य जून 2023 तक रखा गया है। मुजफ्फरपुर में 21 से 30 वर्ष के लोगों में डेंगू के सर्वाधिक मामले। बिहार में डेंगू के मामले में प्रतिदिन बढ़ोतरी होते जा रही है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला में जब संक्रमण के सरकारी आंकड़े को देखा गया तो यह पाया गया कि यहां डेंगू के सर्वाधिक मामले 21 से 30 वर्ष के युवाओं में पाए गए हैं, जबकि 51 से 60 वर्ष वालों में इसके खतरे को कम पाया गया है। वहीं इस सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर 11 से 12 वर्ष के बच्चे और 31 से 40 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर में अब तक 94 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें संक्रमित महिलाएं 60% और संक्रमित पुरुष 40% है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर उधर कचरा फेंका तो बोलेगी डस्टबिन। बिहार के गया जिले के सरकारी विद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक ऐसा डस्टबिन का निर्माण किया गया है जो आपको कचरा फेंकते देख कहेगी प्लीज यूज मी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण 10वीं के छात्र आदित्य कुमार और अनुराग कुमार के द्वारा शिक्षक देवेंद्र सिंह की देखरेख में किया गया है और इसका चयन नेशनल प्रदर्शनी के लिए किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैन लर्निंग मशीन रखा गया है, जिसमें प्रोग्रामिंग और सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसे तैयार करने में महज 600 से 800 रुपए की राशि लगी है। बताते चले कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा चयनित कर 22 से 27 नवंबर 2022 तक शंकरदेव पंचावारी गुवाहाटी में लगने वाले राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया है। संस्कृति समागम में अनुराधा पौडवाल ने बांधा शमा। बिहार के बक्सर में सनातन संस्कृति समागम के कार्यक्रम में तीसरे दिन हिंदी गीत संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने अपने भजन गायन से श्रोताओं के बीच समा बांध दिया। बता दें कि उनके शानदार प्रस्तुति से सभी लोग भाव विभोर हो गए हैं। इसके साथ ही तीसरे दिन वहां श्री जीयर स्वामी के मार्गदर्शन और सानिध्य में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ प्रारंभ होने से पहले जल भरी कलश यात्रा निकाली गई। वहीं बताते चले कि आज भी इस कार्यक्रम के चौथे दिन भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि अरविंद अकेला उर्फ कल्लू बक्सर जिला के ही रहने वाले हैं। बेटी रोहिणी की किडनी से लालू को मिलेगी नई जिंदगी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किडनी देकर उन्हें नई जिंदगी देगी। बता दें कि 1.5 दर्जन से अधिक बीमारियों से जूझ रहे लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में ही होना है और इसके लिए डॉक्टरों की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं रोहिणी आचार्य अपने पूरे परिवार के साथ सिंगापुर में ही रहती है। हालांकि लालू यादव यह नहीं चाहते थे कि वे अपनी बेटी से किडनी ले, लेकिन रोहिणी ने उन्हें तैयार कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव का इलाज किडनी अस्पताल के रूप में विख्यात सेंटर फॉर
किडनी डिजीज से चल रहा है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल का रेट जारी किए गए। इसके मुताबिक पटना, पूर्णिया, मोतिहारी, बेगूसराय, दरभंगा, हाजीपुर, बेतिया और समस्तीपुर समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। हालांकि भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तेल के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं गया में पेट्रोल डीजल के रेट गिरे हैं। बता दें कि भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.42 रुपए तो डीजल की कीमत 94.56 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108.12 रुपए और डीजल 94.84 रुपए प्रति लीटर है। जिसके बाद बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल का रेट 35 पैसे गिराने के साथ 107.24 रुपए और डीजल 32 पैसे गिरकर 94.4 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की सबसे कम कीमत समस्तीपुर में दर्ज की गई है, जहां पेट्रोल 107.21 रुपए और डीजल 94.21 रुपए प्रति लीटर है। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को दिया करारा शिकस्त। T20 विश्व कप 2022 में एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 159 रनों का लक्ष्य दिया है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि इसके बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कोहली के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी की। कोहली 40 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्दिक ने 33 गेंदों में 63 रन बनाए। हार्दिक की इस पारी की बदौलत भारत ने 168 रनों का स्कोर खड़ा किया। निर्धारित 20 ओवरों में भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 168 रनों का स्कोर बनाया था। वहीं इंग्लैंड की टीम ने 4 ओवर रहते हुए बिना विकेट गवाए 159 रन बनाकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब उनका सामना फाइनल में पाकिस्तान की टीम के साथ होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुतुल रंगीला, मोहम्मद नौशद राजा, पवन सिंह, अजीमा फिरदौस, रितेश कुमार, चंद्रभूषण सहाय, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजकुमार प्रसाद, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, भान प्रकाश मौर्य, शंकर मुखिया, रविशंकर, कुलदीप कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कचरा ना फैले इसके लिए प्रशासन के द्वारा क्या प्रबंध किया गया है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।